हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू हैशटैग ईद स्पेशल सीरीज, जहां मैं रमादान के इस महीने में हर रोज वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि ईद के लिए स्पेशली बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी को रमादान मुबारक। और अगर आप ईद से पहले खुद को पैम्पर करना चाहते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहते, ज्यादा एफर्ट भी नहीं देना चाहते, तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ये है मेरिट विको एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। आई हैव यूज्ड फुल साइज 3 बॉटल्स ऑफ दिस कोकोनट ऑयल। मुझे ये इतना ज्यादा पसंद है, मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो शेयर किया था 10 यूजेस ऑफ कोकोनट ऑयल, उस वीडियो को मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगी। उस वीडियो में मैंने इस कोकोनट ऑयल को इस्तेमाल किया था एंड इस कोकोनट ऑयल को मुझे इस्तेमाल करना बहुत पसंद है। इनफैक्ट जितने लोगों ने भी मेरे घर पे आके इस कोकोनट ऑयल को इस्तेमाल किया है, उन्होंने अपने लिए खुद से ऑर्डर किया है इस कोकोनट ऑयल को, बिकॉज आफ्टर यूजिंग दिस कोकोनट ऑयल यू कांट गेट बैक टू एनी अदर कोकोनट ऑयल्स, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अच्छा है। ये ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग में है। जब मैं दिल्ली मुंबई ट्रैवल कर रही थी, उस टाइम मैंने इसे ऑर्डर किया था। तो ये जो कोकोनट ऑयल है, ये 100% वर्जिन ऑयल है, विच इज ग्रेट। इसमें कोई ट्रांस फैट नहीं है, ये अनरिफाइंड कोकोनट ऑयल है एंड ऑल द गुड थिंग्स। ये एकदम प्योर फॉर्म में आपको मिलेगा, बट द प्राइस इज वेरी मिनिमम। इसका प्राइस है 235 रुपीज, बट डेफिनेटली ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगी। इसका जो अमेजन और फ्लिपकार्ट का परचेजिंग लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। जहां पर आपको प्राइसेस कम लगेंगे, आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन नाइका। कंसिस्टेंसी के बारे में बात करते हैं, लाइट वेट कंसिस्टेंसी है, लेकिन हाँ, विंटर सीजन में ना ये जम जाता है। दिस इज रियली लाइट वेट, और जब भी मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ, नो मैटर इट्स विंटर सीजन और समर सीजन, मैं इसे थोड़ा सा वार्म करके अप्लाई करती हूँ, उससे ना बेटर ऑयल आपके स्कैल्प पर पेनिट्रेट होता है। सिर्फ आप इसे अपने हेयर के लिए ही नहीं, आप अपने स्किन के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने हेयर लेंस पर अप्लाई करते हैं, हेयर काफी डैमेज फ्री रहते हैं, सॉफ्ट शाइनी रहते हैं। इनफैक्ट जब आप स्ट्रेटनिंग एंड हेयर स्टाइलिंग टूल्स इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी हेयर डैमेज होता है, उसे रिपेयर करने में ये काफी अच्छे तरीके से काम करता है। रात को सोने से पहले आप इसे अपने किसी भी ड्राई एरिया पर, जैसे हैंड्स एंड लेग्स पर अप्लाई करके छोड़ दीजिए। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है आपकी स्किन को, एंड इसका कोई सच स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है जो हेडेक देगा। डेफिनेटली इट्स एन ऑयल, आफ्टर ऑल ऑयल में ऑयलीनेस तो होगी ही, बट उतना ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू अदर कोकोनट ऑयल्स। मैं पहले से सिर्फ हेयर पर इस्तेमाल करती थी, लेकिन जब मेरे दीदी की शादी हो रही थी, तब घर पे गेस्ट्स थे एंड मैं जिस रूम में सोई थी ना, उस रूम में मैं रात को जो बॉडी लोशन अप्लाई करती हूँ वो नहीं था, सिर्फ ये कोकोनट ऑयल था उस रूम में। तो मुझे लगा ठीक है, कोकोनट ऑयल को मैं अप्लाई कर लेती हूँ अपनी स्किन में। तो मैंने अपने हैंड्स एंड लेग्स पर इसे अप्लाई करके मैं सो गई, एंड जब सुबह में उठी ना, तो बॉडी लोशन से भी ज्यादा इसका इफेक्ट था, इतना ज्यादा सॉफ्ट बना दिया था इसने मेरे स्किन को। तब से मैं तो हमेशा, जब भी बहुत ज्यादा ड्राई फील होता है, आई ऑलवेज गो फॉर दिस कोकोनट ऑयल। सो आई थिंक दिस इज एन एक्सेलेंट कोकोनट ऑयल। इसके कई सारे पैकेजिंग ऑप्शंस भी आपको मिल जाएगी, सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक कर दूंगी, मेक श्योर यू चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसे मेन, वुमेन, टीनेजर्स, इनफैक्ट चिल्ड्रन के लिए भी ये काफी अच्छे से वर्क करता है। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड बाय द वे दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैंने खुद से इसे इस्तेमाल किया है एंड आई पर्सनली लव यूजिंग दिस कोकोनट ऑयल। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।